हेलो दोस्तों, स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। आज हम बनाएंगे एक आइकॉनिक सिंधी डिश, साई भाजी। ताजी पालक को पकाया जाता है चने की दाल के साथ, आलू और गाजर के साथ बनाने के लिए एक स्वादिष्ट ग्रेवी डिश। आइए देखते हैं सामग्रियां। सबसे पहले मेरे पास है पालक की एक झुड़ी, जिसे धोकर काटा हुआ है। मेरे पास है 1/4 कप चना दाल, जिसे पानी में भिगोया है पिछले 1 घंटे से। मैं लूंगी 1 टमाटर प्यूरेड, 1 आलू जो कि काटा हुआ है, 1/2 कप प्याज, 1/4 कप गाजर जिसको बारीक काटा हुआ है, नमक स्वादानुसार, अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों की 1-1 चम्मच, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला या कोई भी गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी हरी मिर्च। अब मैं शुरू करूंगी बनाना साई भाजी। मैं गरम करूंगी 2 से 3 चम्मच तेल, ऐड करूंगी अदरक और प्याज। मिला लूंगी सब कुछ और पकाऊंगी 1 से 2 मिनटों के लिए। एक बार प्याज हो जाए पारदर्शक, हम ऐड करेंगे ये आलू, गाजर, थोड़ी हरी मिर्च, पकने देंगे 1 से 2 मिनटों के लिए और अब डालेंगे टमाटर। अब इसमें ऐड करूंगी ये चना दाल, ये टमाटर, मिला लेंगे सब कुछ अच्छे तरीके से। डालूंगी इसमें नमक और थोड़ी सी हल्दी, और हम डालेंगे सारी पालक। आज मैं डालूंगी सिर्फ पालक, लेकिन हर एक परिवार का अपना कॉम्बिनेशन होता है हरी सब्जियों का। आप डाल सकते हैं इसमें दिल या सुआ या तो फिर अमरांत। आप इसमें डाल सकते हैं खट्टा, जो है इंडियन सोरेल। ये आप पे निर्भर है कि कौन सी कॉम्बिनेशन में हरी सब्जियां आप डालते हैं। पालक अब नरम हो चुकी है, इसमें डालेंगे अब पानी। आपको डालना है जरूरत जितना पानी, ये नहीं होना चाहिए ज्यादा पतली या रनी। ढक्कन को ढककर इसे पकाएंगे 2 सीटियां बजने तक। अब ये दाल पक चुकी है और अब जैसे कि देख रहे हैं, मैंने इसे हल्का मैश किया है और हमें मिल गई है कंसिस्टेंसी। इस पॉइंट पे ऐड करूंगी आमचूर पाउडर लगभग 2 चम्मच। अगर आपके घर पे आमचूर पाउडर नहीं है, आप ले सकते हैं इमली का पल्प या पेस्ट। आपको चाहिए खट्टी फ्लेवर, आप डाल सकते हैं नींबू भी, ये आप पे निर्भर करता है। ये दाल अब तैयार है, मैं तैयार करूंगी तड़का। तो अब मैं गरम करूंगी पैन को, डालूंगी थोड़ा सा तेल, एक बार ये गरम हो जाए मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ अदरक, इसे हम पकाएंगे जब तक कि इसमें से आ जाए खुशबू और हल्का सा ब्राउन हो जाए साइड्स पर। मैंने रफली काटा है लहसुन को, आप काट सकते हैं अच्छे टुकड़ों में या बारीक भी काट सकते हैं। जलाना नहीं चाहते, अगर ये जल जाएगा तो इसमें से आएगी कड़वी फ्लेवर, जो कि बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होती है। ये लगभग हो चुका है, इसमें आ रहा है हल्का गोल्डन कलर, चलाते रहेंगे इसे। अब ये तैयार है, मैं गैस को ऑफ करूंगी और डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। अब मिला लेंगे सब कुछ और हम इसे डालेंगे दाल के ऊपर से। तो अब मैं डाल रही हूं ये तड़का दाल के ऊपर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये सुंदर सा लाल हरे के साथ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा और आमचूर पाउडर और हम तैयार हैं इस डिश को सर्व करने के लिए चावल या रोटी के साथ।